जल ही जीवन है, इस बात को समझते महसूस करते हुए मैंने एक मिशन रूप में इस कार्य को लिया हुआ है और उसी की कड़ी में आज ये एक जागरूकता रैली है जिसके माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि पानी बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, स्वच्छता रखेंगे और इसी के कारण स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन सही रहेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। इस उद्देश्य के साथ ये रैली आज निकाली जा रही है जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं, हमारी विभिन्न संस्थाओं के लोग इसमें उपस्थित हैं और मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और जनता से अपील करता हूं कि उसे अपने जीवन में अपनाएं, जल संरक्षण करें, ऊर्जा संरक्षण करें, पेड़ लगाएं, गंदगी ना फैलाएं, इसी प्रकार के सब संदेश के उद्देश्य से ये एक रैली निकाली जा रही है। मेरा सबको पुनः बधाई और आभार जो इसमें सहयोग कर रहे हैं और बाकियों से ये अपील कि वो इसे अपनाएं। थैंक यू। हमारे ब्रह्मांड में और हमारी पृथ्वी पर विशेष तौर पर जल और वायु ये दो ऐसे तत्व हैं जिससे ये जीवन निरंतर चलता है। अगर इसमें जब जब इन संसाधनों का संशोधन या इन संसाधनों का मैक्सिमम मिसयूज़ किया गया है तब तब हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, चाहे वो मानव संस्कृति है, चाहे वो जीव जंतु अन्य संस्कृति है, चाहे पौधे हैं, उस सभी में उसका नुकसान होता है और इससे हमारी मानव संस्कृति को खतरे पैदा होते हैं। इसलिए हम सब के लिए ये आवश्यक है कि प्रकृति के द्वारा दी गई ये जो दो नियमतें हैं इनको हम लोग इनके महत्व को समझें और इसको बनाए रखें। हम लोग जल हमारे को जीवन प्रदान करता है और वायु उस जीवन को निरंतर बनाए रखती है, इसलिए इनका संरक्षण करना, इनको बनाए रखना, इनकी शुद्धि बनाए रखना, इनको किसी प्रकार से कंटेमिनेट ना करना, ये हम सब लोगों का बहुत ही अहम कर्तव्य बनता है। और ये जो इस तरह की सामाजिक संस्थाएं होती हैं समाज में, देश में, इनका इस संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं इस संस्था को, भारत विकास परिषद को और प्रेरणा संस्था को बहुत ही समाज की तरफ से, सिरसा की तरफ से बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इनका धन्यवाद प्रशंसित करना चाहता हूँ। और अच्छी बात यह है कि बच्चों के माध्यम से ये समाज को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जब ये बच्चे इनके महत्व को समझेंगे, जल की कीमत को, पानी की, वायु की कीमत को समझेंगे और उसे पर्यावरण को बनाए रखने में उसकी कीमत को समझेंगे तो समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा और बच्चों का मन जो है ना वो क्लीन स्लेट होता है, वही अगर इसका महत्व समझेंगे तो समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ ये लगातार इसे बनाए रखेंगी। इसलिए बच्चों के माध्यम से जो ये संदेश दिया जा रहा है ये पूरे भारत के लिए और पूरे देश के लिए, मानव सभ्यता के लिए निहायत ज़रूरी है। तीसरी बात में सारे भारत में करने चाहिए, हमारा देश आज जो है पानी की तरफ से बहुत ही इसमें कमियां और इसकी खामी होती जा रही है, लोग इसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, ये निरंतर कम होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है ना वो नीचे चली गई है और वायु जो है ना कि निरंतर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस आ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो दूषित वातावरण हो रहा है, इसलिए इनको भी प्योरीफाई करना, इनको प्योर बनाए रखना भी हमारा एक संदेश है। मैं सिरसा वासियों को और आसपास के सभी और हरियाणा को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ कि सिरसा से एक अच्छी पहल इस रैली के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से ये संस्था, सामाजिक संस्था ऑर्गेनाइज कर रही है। धन्यवाद। जल नहीं तो 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 जल
पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है उसका 1% पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु धरती पर अनावश्यक रूप से जल की बर्बादी की जा रही है, जिससे पर्यावरण के पेड़ पौधे भी सूखते जा रहे हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वह दिन दूर यदि जल का यूं ही दुरुपयोग किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी और पीने का पानी महंगा हो जाएगा। अगर ना बची जल की बूंद कैसे प्यास बुझाओगे, नाती पोते खड़े रहेंगे जल राशन की कतारों में, पानी पर से बिछेंगी लाशें लाखों और हजारों में, रुपयों में भी जल ना मिलेगा जल की होगी मारा मारी, हनन करेंगे शक्तिशाली नदियों के अधिकारों का, सारे जल पर कब्जा होगा बाहुबली मक्कारों का। इसलिए ध्यान रखिए, जल है असली सोना, इसे कभी नहीं है खोना, अतः जल संरक्षण धरती का संरक्षण। धन्यवाद। जल की सोचे हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कागज बचेगा, पेड़ बचेगा, कागज बचेगा, पेड़ बचेगा, गाड़ी पर हम जल न धोए, गाड़ी पर हम जल न धोए। आज की ये जल बचत अभियान के तहत की गई रैली एक सराहनीय कदम है और रमेश जी गोयल के द्वारा ये एफर्ट्स जो जल बचाव का चला हमारे जिले के अंदर, ये एक सराहनीय कदम है और हम सभी से आह्वान करते हैं कि देश के अंदर, शहर के अंदर, अपने कस्बे और गांव के अंदर जल बचाने का पूरा पूरा प्रयास करें और जल को वेस्ट ना करें। प्रमुख रूप से जो ये कारे धोने का, पार्कों में पानी देने का, पाइप यूज करने का, इसकी तरफ प्रयोग करें। इसी सभी के साथ आप सभी का धन्यवाद जो आपने यहाँ पर सही। भारत विकास परिषद और पर्यावरण प्रेरणा संस्था के तत्वाधान में आज जो ये जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज अगर अगला विश्व युद्ध की अगर कोई घोषणा है तो केवल जल के लिए है। जल की बचत ही हमारे सभी देशवासियों को करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इस वक्त जल का बहुत बड़ा संकट है। आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जल बचत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कल की सोचे, पानी भी बचाएंगे, बिजली भी बचाएंगे, पानी भी बचाएंगे, बिजली भी बचाएंगे। कभी ना खुलने छोड़े, टूटी कभी ना खुलने छोड़े, जल बचाएगा, जीवन बचेगा, जल बचाएगा, जीवन बचेगा, जल बचत। संरक्षण हमारे देश की एक बहुत बड़ी ही कठिनाई है, जिसे हमें करना चाहिए, इसका सेव करना चाहिए, सेव वाटर। इसलिए काफी सालों से रमेश गोयल जी के साथ मैं जुड़ा हूँ और मुझे इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और मैं इसको जहाँ तक हो सकता है इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। पिछले काफ़ी सालों से कर रहा हूँ मैं होल्डिंग में, इनके काफ़ी कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ
और मुझे ये उम्मीद है कि जहाँ तक जिस कार्य में मैं लगा हूँ वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे बहुत से बड़े समाज के अंदर एक अच्छी मैसेज जाएगा, एक अच्छा समाचार जाएगा जिससे समाज को काफ़ी समय के बाद किस तरह की पानी के बारे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसी उम्मीद है। अगर लोग अभी से अवेयरनेस हो जाएंगे, अगर अभी से ही वो इससे संचय करने लग जाएंगे और हमारे युवा वर्ग की ओर से भी हम सभी मिल करके अपने देश को चलाने के लिए जो भी सामाजिक कार्य हैं जितने भी, चाहे जल की बात है, चाहे भ्रूण हत्या की बात है, दहेज प्रथा की बात है, उन पर हम कार्य करते रहेंगे, इसी तरह सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते रहेंगे।